सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज डोईवाला ने सेमेस्टर फीस जमा कराने की मांग को लेकर छात्रों को किया नोटिस जारी। 8 अगस्त के बाद फीस जमा कराने पर ₹500 देना होगा पेनाल्टी शुल्क, जिस पर छात्रों ने नाराजगी दिखाते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण अभिभावक फीस देने में असमर्थ रहेंगे और कॉलेज प्रशासन द्वारा उन पर लेट फीस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि कोरोना वायरस को देखते हुए उचित नहीं है। हालांकि सिबेट प्रशासन का कहना है कि यदि कोई छात्र पूरी फीस जमा कराने में असमर्थ है तो वह किस्तों में भी जमा करा सकता है। कॉलेज फीस जमा नहीं कराने पर किसी भी छात्र को रेस्टिकेट नहीं किया जाएगा, लेकिन बिना फीस के कॉलेज चल पाना नामुमकिन है। छात्र 3 किस्तों में भी जमा करा सकते हैं फीस। हमारी यह है कि लॉकडाउन के चलते हमारे को फीस के लिए मैसेज भेज दिया गया है कि 8 अगस्त से पहले हमारे को फीस जमा करनी है, उसके बाद हमारे पर पेनल्टी फाइन पड़ सकता है। कितनी फीस है? हमारी फीस 18,000 रुपये। कितने दिन की सेमेस्टर वाइज है ये? सेमेस्टर 6 महीने की है हमारी फीस ना। तो क्या पढ़ाई हुई थी? पढ़ाई तो भैया अभी कुछ नहीं हुई, एग्जाम हुए हैं बस। एग्जाम भी ऑनलाइन लिए हैं कि हमारे को पेपर सेंड करा गया है और इसको पेपर को हमारे को अपने नोटपैड पे लिख कर सेंड करना था, उस तरह से हमारे से पेपर लिए गए हैं और हमारे को फीस के लिए मैसेज भेज दिया गया है कि फीस जमा करनी है। तो फीस देने में अभी समर्थ देने में हमको सभी असमर्थ हैं अभी ज़रा। अच्छा, तो क्या चाहिए, टाइम चाहते हैं इनसे? हम मांग करते हैं कि हमारे को थोड़ा टाइम दिया जाए और फीस में भी थोड़ी राहत दी जाए, फीस को थोड़ा कम किया। देखिए, हाँ नमस्कार, मैं संस्थान के निदेशक के तौर पर सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि संस्थान की तरफ से बच्चों को फीस को लेकर कोई दबाव नहीं है और ये कोरोना काल में समस्याओं को देखते हुए जो हमारा मैनेजमेंट अब ये प्रबंधन है उसने ये निर्णय लिया है कि बच्चे फीस अपने सुविधाजनक इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं। तो और किसी भी बच्चे को कोर्स से निकाला नहीं जाएगा, बस ये जरूर है क्योंकि ये सरकार का रेवेन्यू है, इसको माफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इनको पेमेंट करने की सुविधा दे सकते हैं कि वो सुविधाजनक किस्तों में ये फीस जमा करवा दें। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि 3 अगस्त से ये बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मेरा सब बच्चों से अनुरोध रहेगा कि वो इन क्लासेस को नियमित रूप से अटेंड करें और कोई भी